नमस्कार, मेरा नाम प्रिंसी मारवाड़ी है और मेरी कविता का विषय लॉकडाउन है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। 24 को हुआ जब लॉकडाउन का ऐलान, पूरा देश हो गया परेशान। थम सी गई सांसें सबकी, सोचने लगे कैसे क्या करेंगे अब हम। सबको थी बस अपनी फिक्र, पर था एक शख्स जिसकी थी सब पर नजर। प्रॉब्लम हुई फिर सबकी सॉल्व, जब साथ दिया डॉक्टर, पुलिस और नर्स ने जी तोड़। 3 साल के बच्चे को छोड़ नर्स ने अपना फर्ज निभाया। डॉक्टर घर नहीं गया और पुलिस ने भी कमाल दिखाया। विनती करने पर भी जब समझ ना आया, तो फ्री मसाज का ऑफर चलाया। फिर उस शख्स ने ताली थाली बजवा कर 9 मिनट की तीसरी दिवाली मनवा कर सम्मान के साथ एकजुटता का परिचय भी दिलाया, साथ ही सबका हौसला भी बढ़ाया। कोरोना हुआ ही था बस कंट्रोल, कि आ गए कुछ लोग, बोले ये देन तुम्हारी है। पर कौन समझाए उनको, ये मौत ही चाइना वाली है। न कहकर किसी से आया है और न कहकर किसी को जाएगा, इसमें तो बस हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला ही काम आएगा। आपस में हो कम से कम 6 फीट की दूरी, जो है बहुत जरूरी। कम से कम धोएं 20 सेकंड तक हाथ, खाने से पहले और शौच के बाद। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि क्या रखा है मजहब की बातों में, आओ मिलकर एकजुटता का परिचय दे। क्यों ना एक मजहब ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। क्योंकि खून ना तो हिंदू को जानता है और ना ही मुसलमान को पहचानता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।